प्यारे बच्चों, आज दिनांक 29 मई 2020 दिन शुक्रवार को कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आइए देखते हैं आज रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, मतलब 1914 से पहले रसाई शासन था। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। ध्यान दीजिएगा, 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई थी। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति के मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। ये भी याद रखने जो की चीज है, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी यानी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी सन 1900 में स्थापित की गई थी। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। इसमें एक चीज याद दिलाऊंगा मैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था कम्यून, यानी पहले जो खेत हुआ करते थे वो कम्यून को सौंप दी जाती थी और परिवार बढ़ने पर पुनः जो है रिसेट करके लोगों को खेत दिए जाते थे। अब देखते हैं किसानों के सवाल पर समाजवादी यानी सामाजिक लोकतंत्रवादी सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों सहमत नहीं थे। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमिर लेनिन, लेनिन का पूरा नाम था व्लादिमिर लेनिन, बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे। सोचते थे कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेन सेविक था, जो मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। यानी जो रूस में संगठन थे वो दो तरह के थे, बोल्शेविक और मेन सेविक, याद रखिएगा। जिसमें बोल्शेविक खेमे का मुखिया व्लादिमिर लेनिन था। अगला पॉइंट देखते हैं, उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में का भी समर्थन मिला। जो मुस्लिम बहुल इलाका था वो जदीदी कहा जाता था। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। और जो मुख्य बिंदु है इसको ध्यान से देखिएगा, जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को केवल
टिटुलो आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि यानी वेतन बढ़ाने और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस यानी जुजार का माल था उसको विंटर पैलेस कहा जाता था कि सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। यानी आप क्वेश्चन मिलेगा खूनी रविवार क्या है या खूनी रविवार को विस्तार से बताइए, तो ये लिखना पड़ेगा। जितना ये हाईलाइट किया गया है इतना उत्तर होगा। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। और देखते आएंगे 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। यानी रूस की जो संसद है उसका नाम ड्यूमा है। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनाधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेर बदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। और रूढ़िवादी का मतलब आप लोगों को बताए हैं, जो पुराने ख्याल या पुराने विचारों के थे, वो नहीं चाहते थे कि परिवर्तन जल्दी कर दिया जाए। अवतारवादी और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। आज बस इतना है। इन बिंदुओं को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न खड़े होते हैं, उसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब की गई थी? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? बोल्शेविक खेमे का मुखिया कौन था? मेंशेविक क्या है? खूनी रविवार की घटना क्यों हुई? इतने सारे प्रश्नों के उत्तर आप जरूर नोट कीजिएगा। आज इतना ही, बस धन्यवाद।